वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी वाई फाई स्टी चैनल में। और आज की वीडियो में आप सभी को एक्सेल में कुछ फंक्शंस के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस पहले ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रख लिए हैं और इन सभी फंक्शंस के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो कैसे ये सारे फंक्शंस काम करेंगे इनको हम डिटेल में बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन हमारा है वो सम फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सम करना है, किसी भी वैल्यू को यदि हम जोड़ना चाहते हैं तो हम बाई सम फंक्शन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मान लिया, सबसे पहले मैंने इक्वल लगाया। जब भी आप किसी भी सेल में कोई वैल्यू आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें इक्वल से कोई फार्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि बराबर के चिन्ह से कोई फार्मूला आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बराबर टाइप करना है और उसके बाद में आपने यहाँ पे लिखा एस यू एम सम, उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ठीक है। आप जिस भी वैल्यू को आप जोड़ना चाहते हैं उस वैल्यू को आप डालेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पे 4 डाला, उसके बाद एक कॉमा लगाया और अगला नंबर 6 डाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो 6 और 4 का ऐड हो जाएगा, यानी कि 10, ठीक है। इस प्रकार से इसने वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। हमने फार्मूले में क्या लिखा था आप देख सकते हैं, फार्मूले में लिखा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इक्वल सम 4, 6 और जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डाली है उसको ये ऐड करेगा, जोड़ देगा आपस में, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम ऐड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। उसके बाद में यदि आप चाहते हैं कि सेल रेफरेंस से ऐड करें, माना कि मैंने इस सेल के अंदर यहाँ पे लिखा है 15 और यहाँ पे लिखा है मैंने 10, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों सेल के अंदर जो भी मैंने लिखा है उसका योग हो जाए, यहाँ पे इस एरिया में उसका योग हो जाए, टोटल हो जाए, तो हम यहाँ पर बाई सम फंक्शन से कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट लगाने के बाद में इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद आपको सम लिखना है और सम लिखने के बाद में आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपने 50 लिख रखे हैं इस सेल का नेम क्या है, इस सेल का नेम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर H5 आ चुका है, ठीक। मीन्स इस सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे टाइप भी कर लेते हैं, माना कि हमारा ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम है वो एस कॉलम है और अगर आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में तो 5 है, यानी कि H5 इस सेल का एड्रेस है, ठीक है। तो हमने टाइप किया H5, उसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है सेमी कॉलम और अगला जो हमारा सेल है उसका जो एड्रेस है I5, तो यहाँ पे लिखेंगे I5 या आप इसमें क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कराएंगे। क्लोज करते ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका 16 आ चुका है, ठीक है। यानी कि आपका जो टोटल था वो आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप टोटल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ये 16 आपका आ चुका है, तो इस प्रकार से आप टोटल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, जब भी आप यहाँ फार्मूला लगाते हैं तो आपने यहाँ देखा जो भी हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे जो सेमी कॉलम होता है इसका मतलब ये होता है एक ये रेंज को कवर करता है, ठीक है। मीन्स आपने जैसे कि मान लिया, मैं एक बार दोबारा से आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने इस सेल के अंदर 10 लिखा और इस सेल के अंदर 5 लिखा और यहाँ पे मैंने 12 लिखा। अब हम चाहते हैं कि इनका जो योग है ना, ये योग हमारा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो सिंपली अगर हम एक सेल रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेमी कॉलम का यूज कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि बीच वाला जो एरिया है ना 5 नंबर का, इसको ऐड नहीं करेंगे। ओनली हम ये वाला सेल यानी कि H7 का और J12 को ऐड करना चाहते हैं, 5 उसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आपको कैसे ऐड करना है वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इक्वल लगा करके सम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो सेल है आपका यानी कि सबसे पहला जो आपका सेल है ये, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका एड्रेस यहाँ पे पिक हो जाएगा, H7 है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करा देंगे तो भी आप लिख जाएंगे यहाँ पे। अब आपको सेमी कॉलम नहीं लगाना है, ठीक है, ये सेमी कॉलम नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है,
जैसे कॉमा लगाएंगे उसके बाद में अगला सेल का एड्रेस डाल देंगे। मुझे ये बीच वाला नहीं ऐड करना है, हमने 12 पे क्लिक किया क्योंकि हमें H7, J7 को ऐड करना है, बीच वाले को नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमा लगा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो आपने देखा कि 10 और 12 का योग होकर के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसमें 5 नहीं जोड़े गए हैं क्योंकि मैंने फार्मूले में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं, इसके जगह पे कॉमा हटा करके मैंने सेमी कॉलन लगाया, तो आपने देखा एक यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट हो चुकी है ना, इस रेंज को उसने कवर कर लिया है, यानी कि H7 और J7 के बीच में जो भी सेल आती हैं उन सबको ये सेलेक्ट कर देगा, ओके। तो अगर हमें कभी भी बीच में कोई वैल्यू को ऐड नहीं करना है तो हम कामा से उनको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, जिस सेल को चाहते हैं उस सेल को हम जोड़ सकते हैं। अब एंटर करेंगे तो आपने देखा कि 10 और 12, ठीक है, 22 और 5 ये 27, तो टोटल हमारा योग 27 आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम अगर एक रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें सेमी कॉलन से उसको बीच में सेमी कॉलन लगाना है, और नहीं तो हम कामा से उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आपको ये सम फंक्शन समझ में आ गया होगा। आप डायरेक्टली भी सम को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया, इक्वल सम ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे कामा लगा करके वो ऐड हो जाएगी, और यदि आपने सेल में पहले से कोई एंट्री की है उनको यदि आपको जोड़ना है तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे कि मार्कशीट वगैरह होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मार्कशीट है, बिल शीट है, इनमें हमें प्रोडक्ट वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, तो आप इस प्रकार से उनको सम में जो उनका एक सेल रेफरेंस होता है उस डॉल के आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर हिंदी में किसी के 50 नंबर आए हैं, इंग्लिश में किसी के 41 नंबर आए हैं, मैथ में किसी के 47 नंबर आए हैं, अब मुझे यहाँ पर इनका योग चाहिए, ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं कि इन सब का योग यहाँ पर आ जाए, टोटल कितने नंबर आए हैं वो हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इक्वल लगाना है फिर से, और हमें लिखना है यहाँ पे सम। सम लिखने के बाद में हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद में देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़ना है, बीच में जो भी है उस सबको जोड़ना है, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो हमारा सेल एड्रेस है उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो सेल एड्रेस आ जाएगा, H5 है, हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते थे लेकिन मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो अपने आप आ गया। उसके बाद अब क्या करना है, मुझे सेमी कॉलन लगाना है, और सेमी कॉलन लगाते ही H5 फिर से आ गया, तो इसे रिमूव कर देना है, इसे हटा देना है, डिलीट कर दिया। अब हमारा लास्ट का जो सेल एड्रेस है वो क्या है, J5, तो यहाँ पे लिखा आपने J5 और ब्रैकेट को बंद किया, ठीक है। तो जैसे J5 लिखा, इसके बीच में जो भी नंबर्स दिए हैं यहाँ पे डिजिट लिखे हैं उन सबको इसने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका योग यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार से इन सेल्स का जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसका यहाँ पे योग आ गया है। अगर हम यहाँ पे सेल को कम ज़्यादा भी करते हैं, मैंने यहाँ पे 0 किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली कम हो गया, 91 हो गया है ना, यहाँ पे मैंने अगर 40 किया तो यहाँ पे 19 हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पे जो भी आप एंट्री, जो भी नंबर आप यहाँ पे भरेंगे उनका योग अपने आप यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक सेल में सम फार्मूला यूज कर सकते हैं और अपने डिजिट्स या नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ नेम दे दिया, ठीक है, कैंडिडेट के नेम दे दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया आलोक, सर्वेश, मुकेश, सुरेश, कुछ लोगों के नाम यहाँ पे दे दिए मैंने। इसमें ये होगा कि अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इनके भी नंबर यहाँ पे भर दिए गए, ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर भर दिया और इनका भी नंबर भर दिया, जो भी हिंदी में आए हैं इनके नंबर तो मैंने यहाँ पे भर दिए, ठीक है, इन नंबर्स को मैंने यहाँ पे भर दिया है। अब देखिए इसमें होगा क्या, अब मैंने यहाँ पे एक फार्मूला तो लगा लिया है, ठीक है, उसके बाद नीचे के लिए आप इस फार्मूले को ही कॉपी कर सकते हो। आप इस कोने पे आओगे तो यहाँ पे ब्लैक प्लस का मार्क देखोगे, उसको आपको एक बार प्रेस करके नीचे के लिए खींचना है, और जैसे नीचे आप ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पर भी कॉपी हो जाएगा, और यहाँ की वैल्यू का ये यहाँ पे ऐड आपको, यानी कि यहाँ पर आपको सम करके दिखा देगा, ठीक है। इस प्रकार से हम एक जगह आप फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद में सबको नीचे ड्रैग करेंगे तो सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई संख्या की वैल्यू आप कम करते हैं, मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 54 लिखा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये
चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी के साथ सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है मेन, ठीक है, MIN मेन, यानी कि मिनिमम वैल्यू को निकालना है तो आप मेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस सेल के अंदर लिखा इक्वल, उसके बाद लिखा मेन, ब्रैकेट लगाया, अब यहाँ पे मैंने 4, 5, 3, ठीक है, ये लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया। सबसे पहले इक्वल लगाया, MIN लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे 4, 5, 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, और जैसे एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखें सबसे जो यहाँ पे कम वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ चुका है, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी आ चुकी है, ओके, ठीक है। और इसको भी हम एक सेल का रेफरेंस दे करके भी हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पर ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे 35, 65, 54। अब हम इनमें से जानना चाहते हैं कि इनमें से सबसे कम डिजिट कौन से हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मेन फार्मूला, जैसे इक्वल MIN, उसके बाद में क्या करना है हमें, मैं लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इन सभी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे होता क्या है, जब आप सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप सेमीकॉलन जे अटैच हुआ, यानी कि सेमीकॉलन आ गया है और अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ऐसे भी आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे आप इंटरफेस करेंगे तो 35 सबसे जो मिनिमम वैल्यू है 35 है, तो 35 आपके आ चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप मेन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसी प्रकार से मैक्स फार्मूला भी काम करता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है तो मैक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपने इक्वल लगाया, उसके बाद लिखा मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब आपने कोई संख्या दी, कामा लगा के आपने संख्या दी, उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज किया, और यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कामा को हटा देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे 6 आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 65 है। अगर सबको सिलेक्ट कर पाएंगे तो यहाँ पे 154 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार ऊपर लगाया, उसके बाद देखा आपने मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया, आप इन सभी को सेलेक्ट कर लिया माउस के सहारे से, ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। आप चाहो तो सेलेक्ट कर लो, चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। हम आपको एक बार लिख के भी दिखा देते हैं, सर इसको हटा देते हैं। इक्वल MX मैक्स, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, आप यहाँ देखो सबसे पहली परी सेल क्या है, ऊपर H है और इधर हमारा 8 है, तो हम यहाँ लिखेंगे H8, सेमी कॉलम लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या है K8, तो लिखेंगे K और 8, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, तो आपने लिखा कि यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो निकल के आई 154, ठीक है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम फार्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला है मोड का, ठीक है। तो मोड कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, इक्वल लगाया, उसके बाद लिखा मोड, MOD, मोड लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया, अब हमने यहाँ पे लिखा 20, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पे 3 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया। तो इस जैसे आपने ये लिखा तो ये 3 से क्या करेगा, डिवीजन देगा, भाग देगा किसको, 20 को, ठीक है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे कितना आया, आंसर 2 आया। अब यहाँ पे 2 आंसर कैसे आया, ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे नंबर्स, नंबर कितने हैं, 20, डिवीजन किससे करना है, डिवीजन किससे करना है, 3 से करना है। तो अगर आप 3 से 20 को भाग देते हैं, ठीक है, तो 18, यानी कि शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है उसको ही बताता है मोड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2 आएगा, है ना। कोई और वैल्यू देख लेते हैं, इक्वल MOD मोड, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 15। अब अगर हम इसको भाग कराते हैं 2 से, तो इसमें शेष बचेगा 1, है ना, 2 × 7 = 14 और 1 शेष बच जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 से एंटर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। मोड मीन्स जैसे आप मोड फंक्शन का यूज करेंगे, यदि आप रिमाइंडर देखेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं उसमें कितना रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पर मोड फंक्शन से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला फार्मूला होता है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का यूज क्या है, आप यदि गुणा करना जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल लगाया और लिखा प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर से मैंने यहाँ पे 4, 5 डाला, तो आप देखेंगे कि 4 और 5 की गुणा हो जाएगी आपस में, यानी कि इसका आंसर 20 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी गुणा कर सकते हैं और सेल रेफरेंस के माध्यम से भी हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट यहाँ पे था, उसके बाद उसका रेट और उसकी क्वांटिटी,
ठीक है। अब हम चाहते हैं कि टोटल कितने का हुआ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैंने मान लिया एक लिया है कीबोर्ड, कीबोर्ड लिया, रेट क्या है 150 रुपये है या फिर 250 रहेगा, ठीक है 250 रुपये रेट है, और मैंने यहाँ पे 5 खरीदे हैं। अभी कितने के हुए हैं इसके लिए मुझे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर मुझे इक्वल लगाना होगा, उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर से वही आपको सेल का यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सेल क्या है I5 है, सेल एड्रेस I5 है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अपने आप एड्रेस आ गया। उसके बाद में सेमी कॉलम दिया और अगला वाला सेल एड्रेस भी आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, या आप यहाँ पर फिल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ पे I5 दिखाया, वहाँ पर आपको क्या करना है J करना है, J5 आपने किया और ब्रैकेट लगाया, एंटर किया, तो आपने देखा यहाँ पे आ चुका है 1250 रुपये, यानी कि आप इस फार्मूले को देख सकते हैं आप, इक्वल प्रोडक्ट I5 सेमी कॉलम J5, ठीक है। इसने क्या किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन करा दी, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करा दी और यहाँ पर उसका आंसर आपको मिल गया। बेसिक बहुत आसानी के साथ आप इस प्रकार से प्रोडक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को अगर हम कॉपी करना चाहेंगे तो यहाँ से आपको एक ब्लैक प्लस का साइन दिखेगा, नीचे के लिए आप ट्रैक करेंगे तो ये फार्मूला आपका कॉपी हो जाएगा, बट यहाँ पर आपने देखा डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला अप्लाई हो चुका है लेकिन संख्या 0 है क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ दिया नहीं है। अब किसी ने अगर मान लिया माउस भी लिया तो रेट 150 रुपये है और मैंने उसको 2 माउस बेचे हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आपने देखा 2 माउस 300 रुपये पे हो चुके हैं। इस प्रकार से ये फार्मूला आपका काम करेगा, ठीक है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप बिल बना सकते हैं, कैसे कैसे आप ये मार्कशीट बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी चीज़ें हम एक्सेल में भी आपको क्लियरली सारी चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं। बेसिक अभी हम थोड़ा आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे आपके जो फंक्शंस होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद में अगला जो फार्मूला होता है एवरेज का दिया है यहाँ पे, तो एवरेज में क्या होता है हम यहाँ पे एवरेज सीखेंगे। तो यहाँ पर एवरेज के लिए सबसे पहले फिर से आपको यहाँ पे एक इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा और लिखेंगे एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट को लगाएंगे और यहाँ पर आपको संख्या देना है, जैसे कि 10.5, ठीक है, 10 और 5, इन दो संख्याओं का मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज मीन्स औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर औसत इसका ज्ञात करेंगे तो इसका कितना आएगा, 10 और 5 15 भाग करेंगे 2 से तो 7.5 आ जाएगा। आप इसको एंटरप्रेस करेंगे तो आपने देखा यहाँ 7.5 आ चुका है, ठीक है। किसी भी संख्या का आप आसानी के साथ एवरेज ज्ञात कर सकते हैं, आप कोई भी संख्या यहाँ पे भरेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिया, मुझे यहाँ पे 11 भरना था, एंटरप्रेस किया तो 11 का एवरेज यहाँ पे 8 आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आप एवरेज को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। उसके बाद में जो अगला फार्मूला है वो है काउंट का, ठीक है। अब काउंट से क्या होगा, ये आपको गिन करके बताएगा, काउंट करेगा कि कितने डिजिट आपके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल, उसके बाद लिखा काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब यहाँ पे 4.5.3, कुछ भी लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 4.5.2.4, 1 2 3 4, चार डिजिट यहाँ पे हैं, एंटरप्रेस किया तो इसने क्या बताया, 4 आपको लिखा दिया, ठीक है। तो ये काउंट करके आपको देगा, ओके। और उसके बाद में अगला फार्मूला है रोमन का, तो रोमन क्या करेगा, किसी भी आप संख्या को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया 12, उसके बाद लिखा रोमन, अब ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब यहाँ पे लिखा 5 और एंटरप्रेस किया, तो आपने देखा 5 को रोमन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब 5 के स्थान पर हमने यहाँ पे मान लिया 10 लिखा, तो 10 को रोमन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक दूसरे तरीके से भी हम आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए हम दूसरे तरीके से दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे संख्या डाली मैंने 15, ठीक है। अब 15 को हम रोमन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने लगा इक्वल और लिखा रोमन, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब हमें क्या करना है, सेल का एड्रेस यहाँ पे देना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटरप्रेस किया, तो आपने देखा कि यहाँ पे रोमन आ चुकी है, ठीक है, यानी कि 15 यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, मैंने यहाँ 20 किया तो आपने देखा 20 वहाँ पे आ चुका है, मैंने यहाँ पे जैसे 25 किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 25 आ चुकी है, मैंने यहाँ पे अगर 100 किया तो वैल्यू वहाँ पे 100 आ चुकी है, सी, ओके। अगर हमने यहाँ पे 50 किया तो वैल्यू यहाँ पे एल आ चुकी है, मीन्स 50 आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आप 25 आ चुके हैं, है ना, 1 आ चुका है। इस प्रकार से आप आसानी के साथ रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ठीक है, ये आपका रोमन में यहाँ पे कन्वर्ट होके आ रहा है, जो भी आप डालेंगे, 50 डाला, 80 डाला, यहाँ पे आपको 80 रुपये मिल गया, ठीक है। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, और मैंने अभी आपको थोड़े से फार्मूले समझाने का प्रयास किया,
आगे की वीडियो में हम आपको डिटेल में सारा कुछ समझाएंगे, और आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर ट्रिपल सी के बाकी के वीडियो आते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और तब तक के लिए धन्यवाद।